तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों हम चिकन बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई को गैस के ऊपर डाल देते हैं, फिर उसमें जितना चिकन है उस अनुसार हम तेल डाल लेते हैं। उसके बाद तेजपत्ता, और अगर तेजपत्ता नहीं है तो आप वैसे भी बना सकते हैं, अगर जीरा वगैरह डाल सके तो जीरा भी, और रेड मिर्च जो होती है उसे तोड़ तोड़ के 4-5 डाल दीजिए। जब ये थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी पूरी तरीके से, तेल जब गर्म हो जाती है उसके बाद प्याज डाल दें, और प्याज जब डालें पूरा उसको अच्छे से चला दें, पूरा तेल में मिक्स कर दें बढ़िया से, और ऐसा चिकन बनेगा कि दोस्तों आप लास्ट में देखिएगा तो कहिएगा कि हाँ, कलर से लेके हर चीज़ बेहतरीन चिकन बनेगा। आप देखते जाइए लास्ट तक, और जब पूरी अच्छी तरीके से भूंजे प्याज को 10 मिनट तक, उसके बाद इसको ढक दें जो भी आप ढकना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं पटना में रहता हूँ और जस्ट ए स्टूडेंट, तो किस तरह चिकन बनता है आपको मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा होटल्स का यहाँ का। पर जो हम लोग चिकन बनाते हैं एकदम कलर बहुत ही परफेक्ट आता है। तो सबसे पहले चिकन को इसमें डाल देते हैं, देख सकते हैं कि हम चिकन को डाल दिए हैं, और उसके बाद हम इसको पूरी तरीके से मिला देते हैं, पकने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पे, ना हाई कीजिएगा ना ज़्यादा लो, मीडियम फ्लेम पे। जब पक जाती है अच्छे से चिकन, पूरी तरीके से मिला लीजिए, पूरी अच्छी तरीके से पूरा भूंजिए जब तक ये पूरी तरीके से भूंज ना जाए। उसके बाद जब 5-10 मिनट के अंतराल में आप लहसुन अदरक और हरी मिर्च को कूट के, अगर पटना में आप रहते होंगे स्टूडेंट हैं तो जानते ही होंगे किस तरीके से बनाया जाता है, उसको कूट के अच्छी तरीके से डाल दें। उसके बाद आप रेड मिर्च, सबसे पहले जो गोल मिर्च होता है जिसको मरीच बोलते हैं, उसका पाउडर डालें। उसके बाद आपके पास जो भी मसाला है धीरे धीरे करके डाल दें। सबसे पहले आप रेड मिर्च डालें, उसके बाद ये धनिया डालें, फिर आप जीरा पाउडर डालें। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह हमारा लग रहा है, क्योंकि आप पानी के साथ मिला के डालते हैं तो उसका अलग टेस्ट आता है और इसका अलग ही रहता है थोड़ा। तो आप देख सकते हैं आप जैसे डालते हैं, उसके बाद धनिया का 2 चम्मच, धनिया 2 चम्मच डालें, और सबसे देखते जाएँ दोस्तों किस तरह डाल रहे हैं। और फिर रेड मिर्च हम डालेंगे स्वाद अनुसार, जितना आपको तीखा खाना है। हल्दी डालें 1 चम्मच, क्योंकि हमारा चिकन है अप्रोक्स 800 ग्राम है, तो उस अनुसार आप सारा मसाला को अपना देख लें कि कितना डालना है स्वाद अनुसार। अगर पानी में मिला के आप मसाला को डालते हैं तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है, और आप इस तरह डालते हैं तो इसमें अच्छी तरीके से भुज आता है, मसाला भुजता है जिसको बोलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों हमने 2 चम्मच इसके अंदर हल्दी डाला है, 800 ग्राम चिकन है, और जब अच्छी तरीके से जब थोड़ा देर के बाद इसको पूरा अच्छे से मिलाएं, और स्वाद अनुसार अपना नमक डालें कि आपका चिकन कितना है उस अनुसार नमक डालें। सारा चीज़ जब एक बार आप डाल देते हैं तो देखिए दोस्तों, उसके बाद हम गरम मसाला में इस अभी ही ऐड कर देते हैं, क्योंकि चिकन मसाला लास्ट में ऐड किया जाता है। तो पूरी देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा गरम मसाला, राकेश का गरम मसाला यूज़ करें क्योंकि बेहतरीन होता है सब कंपनी से। और जब ये सारा चीज़ को डाल दिए होंगे उसके बाद पूरी अच्छी तरीके से भूंजें। उसके बाद अभी हमें चिकन पकाने में एक रोज 30-40 मिनट लगेगा, क्योंकि लो फ्लेम पे आप बनाइएगा चिकन, उसका टेस्ट लाजवाब, उसका बेहतरीन आपको अच्छा लगेगा खाने में। देखिए दोस्तों ये कलर चिकन में किस तरह कलर आ रहा है, और पूरा अच्छी तरीके से भूंज चुका है। इसको ढक दे जब तक इसका जो पानी है, हमने पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया क्योंकि चिकन ऑलरेडी पानी छोड़ता है और तेल आपका रहता है। उसके बाद पूरी अच्छी तरीके से इसे भूंजे, देख सकते हैं दोस्तों किस तरह एकदम क्रिस्पी आ रहा है, देख सकते हैं किस तरह अच्छा लग रहा है। और इसके अंदर आप लहसुन ऐड करना चाहते हैं तो कर दे, उस वो भी आपको बहुत ही बेहतरीन रहता है आपका टेस्ट अनुसार। जैसे हमने इसको डाल दिया, और देखिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।